एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बना रही हूँ एक व्लॉग और लंच टाइम से शुरू कर रही हूँ। पता है मैं इतना चाहती हूँ ना कि सुबह से शुरू कर दूं व्लॉग, लेकिन मैंने इतने सारे काम सुबह के आजकल रह रहे ना कि सुबह का वो जितना भी टाइम है नाश्ता बनाना और उसके आगे पीछे घर का काम के साथ में ना मेरा व्लॉग स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, इससे अच्छा कि लंच पे ही करते हैं, इत्मीनान से बनाया जाए। पर मेरा बहुत मन है कि मैं एक दिन फिर से सुबह से लेकर रात तक बनाऊं, पर अभी आप देख ही रहे हो कि एक के बाद एक कितने टाइम से मैं डेली व्लॉग्स बना रही हूँ, डेली वीडियोस आपके लिए ला रही हूँ। पिछले महीने मैंने कैलकुलेट किया तो 31 डेज में मैंने 29 वीडियोस पुट किए थे। सोचिए कितने सारे वीडियोस थे, तो उसके पीछे एफर्ट बहुत जाता है। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि व्लॉग ज्यादा से ज्यादा बनाऊं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है ना, तो कैसे भी टाइम निकाल लेंगे। चलिए मैं अभी बनाने जा रही हूँ, ये मेरे पास पालक है, यहाँ पे है बीट रूट। तो बीट रूट पालक के साथ में मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ जो थोड़ा सा हेल्दी हो और थोड़ा सा टेस्टी भी हो और झटपट भी बन जाए, क्योंकि बाहर तो आपने देखा उस दिन जम के खा लिया, काफी हैवी खा लिया था। उसके नेक्स्ट डे तो हमने भैया खिचड़ी खाया, सिंपल खाया, पर रात तो खा लिया। कल फिर से बना करके हमने पनीर, तो वो भी मैंने बहुत हैवी बना दिया। तो आज ये मुझे कहते सुनो कुछ सिंपल सा, हेल्दी सा और एकदम फटाफट बने ऐसा बनाना। मैंने कहा चलो, तो फिर इस केस में पालक फिट बैठता है, चलिए बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में एक दिवाली गिफ्ट शेयर करना चाहती हूँ। हर बार हम लोग दिवाली में अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को गिफ्ट्स तो देते ही हैं, पर आप क्या देती हैं हर बार गिफ्ट में? या तो मिठाइयाँ देते हैं हम लोग, या फिर उनके पसंद का कुछ एक सामान दे देते हैं। पर इस बार आप चाहें तो गिफ्ट कर सकते हैं उनको कुछ ऐसा जो उनके लिए बहुत ही स्पेशल होगा, क्योंकि ये होगा उनके लिए सेल्फ केयर किट। तो मैं बात कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का ये हैप्पी दिवाली का ये गिफ्ट, जो कि बहुत सुंदर पैकेजिंग में आता है। आप इसको गिफ्ट करिए। इसके ऊपर में आपको करना क्या है, आप सिंपल चाहो तो बस एक रिबन लगा दो इसके ऊपर में रेड कलर का और ये गिफ्ट रेडी हो जाएगा, या फिर इसको आप पैक कर लीजिए। वैसे ये खुद बहुत अच्छे से बॉक्स में आता है, मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ क्या है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे एक अच्छा सा बटर पेपर है जो इसको थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है, और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो ऐसा पूरा एक पैक आता है। तो ये पूरा इनका जो उपटन रेंज है ये उसका गिफ्ट पैक है। वैसे इस उपटन रेंज पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगी। उसमें मैंने शेयर किया था इसके रिव्यू, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्या क्या इनके फायदे हैं, तो वो भी चाहो तो आप देख सकते हो। अगर आप इसे खरीदते हैं वाओ स्किन साइंस के ऐप से या वेबसाइट से, तो आपको कूपन कोड लगाना है दिवाली20, उससे आपको मिल जाएगा इस पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट। तो ज़रूर वहाँ से शॉप करें, लिंक मैंने दे दिया है। चलिए मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा दिखता है। वाओ स्किन साइंस का ये जो दिवाली गिफ्ट पैक है, इसकी पैकेजिंग बहुत ही प्रीमियम की गई है। ऑरेंज कलर का बॉक्स में ये गोल्डन एंड ब्लैक कलर के बॉटल्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। दिया होल्डर भी मुझे अच्छा लगा, नग का काम किया गया है, ये तो परफेक्ट है दिवाली गिफ्ट के लिए। इसमें आपको मिलता है पूरा उपटन रेंज, तो इसमें है उपटन बॉडी वॉश, साथ में है उपटन फेस वॉश, एक आपको यहाँ पे सेरम भी मिल जाता है, फेस एंड बॉडी पैक भी मिल जाता है, और साथ ही साथ में फेस एंड बॉडी स्क्रब भी है। तो है ना एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इनोवेटिव आइडिया गिफ्ट करने का, जिसे मिलेगा आई एम श्योर उसकी दिवाली तो बन जाएगी, बहुत खुश होने वाले हैं वो, क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वाओ स्किन साइंस ब्रांड तो अच्छा ही। तो मैंने आपको लिंक दे दिया है, अगर आपको परचेस करना हो तो जल्दी परचेस कर लीजिए, दिवाली बस आने ही वाली है। जो लिया था ना, देखिए इसका कितना काम आता है, जैसे कि इसमें ही वॉश कर लिया और ड्रेन होने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, नहीं तो ना ये ड्रेन करने में बहुत इशू आता था मुझे। और ये भी अच्छा है, वैसे कोलेंडर भी अच्छा है आइकिया वाला, पर ये भी मुझे मल्टीपर्पज काफी अच्छा लगता है। अब जब ये काम हो जाएगा तो मैं इसको वापस से उधर रोटेट कर दूंगी, तो ये जगह बाकी बच जाती है। पालक के जो ये स्टेम्स होते हैं ना, उसके साथ डालती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो एकदम जो टिप वाले होते हैं, मतलब एकदम जो एंड वाले होते हैं, वो आप थोड़ा सा काट लीजिए,
बाकी अगर आप स्टेम के साथ ही इसे बॉइल करोगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है, तो वो मैं नहीं हटाती। और अभी लग रहा था कि बहुत सारा पालक है, पूरा कुकर भर गया है, पर 3 से 4 मिनट में ये गल जाता है और ये कम हो जाता है। तो इसमें डाला है बीटरूट और पालक और थोड़ा सा फ्राई किया है, और उसके बाद में इसमें गरम मसाला और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल करके इसको सिटी लगा लेंगे, मतलब 5 सिटी लगाऊंगी, अच्छे से ये गल जाएगा। और उसके बाद इसको आप राइस से खा लीजिए। सब्जी है ना, ये सर्दियों में खाने में अच्छा लगता है, जैसे विंटर आएगा ना तो गर्मा गर्म ये खाने में, और थोड़ा तीखा हो। वैसे मैंने तो ग्रीन चिली डाला है, रेड चिली पाउडर नहीं डाला है, पर आप थोड़ा सा तीखा बना लो और फिर सूप ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी लग गई है भूख, इन्हें भी लग गई होगी, बस बन जाए। पता है ये वाला कुकर जब से आया ना हमेशा सीटी लगती है। मेरे पहले वाले में पता नहीं रिंग का प्रॉब्लम था या क्या इशू था, कभी कभी ऐसा होता था ना कि सीटी लगती नहीं थी, फिर से खोलिए फिर से रखिए, कई बार सीटी को फूंकना पड़ता था, कई बार उसको मैं वापस से धोती थी। शायद जब कुकर पुराना हो जाता है तो सीटी नहीं लगती है हमेशा, ऐसा होता है पता नहीं, पर इस वाले कुकर में मुझे बहुत आराम है, क्योंकि इसमें जो इंडिकेटर है ना सीटी ऊपर आने का, वो उसकी वजह से सीटी लगी जाती है, तो वो बहुत ही अच्छा है। शाम के बज गए 5 और बन रहा है यहाँ पे चाय। मैं कर रही थी एक वीडियो एडिट, वो करते 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 ही मुझे लगा कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब बंद करते हैं और पहले चाय पीते हैं। तो चाय का अलार्म बज ही जाता है, नहीं शाम हो या सुबह हो चाय का अलार्म बज जाता है। पर बड़ा वियर्ड है ना ये, सुबह और शाम के बीच में ना मुझे कभी भी चाय पीने का मन नहीं करता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग है, मेरी खुद की मम्मी ऐसी थी, एक बार सुबह पियेंगी चाय 7 बजे, ठीक है, उसके बाद चाय पियेंगी वो 9 साढ़े 9 बजे, जब वो आंटी आती है ना काम करने के लिए तो उनके साथ बात करते करते पीती थी, उसके बाद फिर से 11:30-11 बजे भी अगर मन किया कुछ है तो उसमें पी लिए, और फिर शाम को भी 1 या 2 बार 3 4 5 बार चाय पीती थी। मेरा वैसा नहीं है, पर ये शाम का ना तो मेरा 4:30-4 से अलार्म बज जाता है, ऐसा होता है कोई बोल रहा हो दिमाग में चाय पी लो ना, खींचता है चाय अपने तरफ। एनीवेज बन गया, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। पता है ये वाला जो कप है ना, इसमें आप देख रहे होंगे सोना लिखा हुआ है, ये एक प्लेन सा व्हाइट कप था, इसमें ना मैंने मार्कर से सोना लिख दिया था कुछ टाइम पहले, परमानेंट मार्कर से, और अभी तक गया नहीं है, और अब मैं इसको धो रही हूँ डिश वॉशर में तो अभी भी जा नहीं रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा गया है पर पूरा नहीं जा रहा है, तो मैंने एक में अपना नाम एक में इनका नाम लिख दिया था। बोरवेल का काम जो हो रहा था ना 5 दिनों से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर आसपास ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, क्योंकि जब बड़ा अपार्टमेंट बनने वाला होता है ना तो मल्टीपल बोरवेल करना रहता है। जनरली ना यहाँ मेरे सामने जितने भी घर है ना वो सारे विलाज हैं, सारे ही मतलब इंडिविजुअल वाले घर हैं, तो उसमें क्या होता है 1 या 2 बोरवेल होता है, तो वो मतलब मैक्सिमम 2 दिन में काम निपट जाता है।
पर अभी क्योंकि 5 दिन हो गया है ना, तो मुझे लग रहा है कुछ तो अपार्टमेंट लॉन्च होगा, कहीं भी हो जाए यार, आगे पीछे कहीं भी हो जाए, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के सामने वाला मतलब जो जमीन है ना, मैं चाहती हूँ वो जितना टाइम हो सके खाली रहे, क्योंकि ना मेरे को वही USP लगती है, वहां इतना सुंदर लगता है ना सामने सब कुछ ग्रीनरी और दूर तक दिखता है, और लकीली सारे ही विला आए हुए है ना, तो मतलब कोई भी तरह का हिंड्रेंस नहीं है व्यू में। पर अगर एक भी अपार्टमेंट आ गया ना, चाहे वो हाई राइज ना भी आए, लो राइज भी आ गया ना, तो सारा व्यू चला जाएगा। पर कभी ना कभी तो आना ही है, नहीं बैंगलोर में कब तक जगह खाली रहेगी, पर खैर जब तक है तब तक मजा ले लेते हैं। ये गेस्ट अपीयरेंस देते हैं मेरे व्लॉग में, इनको खींच के बुलाना पड़ता है, जरा आइए जरा अपना मुखड़ा दिखाइए। yes. है ना, अभी इनके मुखड़े से ज्यादा मुझे ये मुखड़ा दिख रहा है, दो दो लोग दिख रहे हैं, एक फ्रेम में 3 लोग आ गए हम लोग। बाय डिफॉल्ट हम लोग स्वैग में चलते हैं। अरे ये इतने बिजी रहते हैं ना, मैं इनको बोल रही हूँ कि दिवाली के दिन दिवाली मनाओगे कि दिवाली के दिन में दिवाला निकालोगे? छुट्टी है अपना, छुट्टी है उस दिन, छुट्टी है कि उससे एक दिन बाद छुट्टी है? ओ हाँ, एक दिन पहले है, पहले एक्चुअली ना शायद ना नरक निवारण का मिलता है। हाँ, नरक निवारण चतुर्दशी की छुट्टी मिलती है यहाँ पे, पर दिवाली का छुट्टी हम ले सकते हैं बोल के, ले सकते हैं, क्योंकि ये मुझे बोलेंगे अरे वर्क फ्रॉम होम ही तो है, छुट्टी छुट्टी है, नहीं है छुट्टी छुट्टी वर्क फ्रॉम होम। पता है चाय पीते पीते भी इनका एक कॉल आ गया था, ये चल रहा है, पर दिवाली में मैं छीन लूंगी छुट्टी इनसे, चाहिए रहता है एक दिन। और एक दिन को मैंने ये भी बोला है कि मेरे को घर सफाई करनी है, तो घर सफाई के लिए टाइम निकालो, तो कह रहे वीकेंड है ना, वीकेंड को करेंगे। पता है मतलब छुट्टी जैसा ही लगता है, देखो ना जाने का, बैंगलोर का ट्रैफिक तो आप जानते ही हो, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, तो 2 घंटा तो बच ही गए, तो छुट्टी है, और 4 घंटा हमने ओवर वर्क कर लिया, ओवर टाइम, और आधा 45 मिनट जैसा लंच का वो चला गया, हो गया। आपको पता ही होगा ना, कुछ छुट्टी ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रही है, सब ना बस डेटा बस ना ऐसे पेपर में है, रियलिटी में कुछ और बात है। तो मैंने मुझे ना घर से सफाई में ना इनकी थोड़ी जरूरत है, जैसे कि पंखा साफ करना हो गया, चिमनी हो गया, सब कुछ डीप क्लीनिंग है, कारपेट वगैरह हो गया, और एक मुझे कारपेट ना इसमें भी देना है, ड्राई क्लीन में भी देना है, वो भी टाइम निकालना है। ये चलो गाड़ी वाला काम कर लेते हैं। हाँ चलते, चलो चलो, अरे हमें ना गाड़ी का एक काम करवाना है थोड़ा, चलो चलो अभी याद आ गया, चलो मैं तो रेडी हूँ, तुम निकल चलो। मैं भी रेडी हूँ, इसमें क्या? अभी ना मैं वॉक करने जा रही थी, एकदम मेरे दिमाग से उतर गया था कि हमें गाड़ी का काम करने जाना है। एक्चुअली ना क्या हुआ है ना, गाड़ी पे ना ऊपर से पता नहीं पानी गिर गया था या क्या, पार्किंग किया हुआ था ना नीचे, तो पानी गिरने की वजह से ना उसमें थोड़ा सा दाग पड़ गया है। अब वो ऐसा दाग है ना कि वो साफ करने से जा नहीं रहा है, तो शायद उसमें कुछ वैक्स लगाना पड़ता है या कुछ, तो ये बोल रहे थे बफिंग करवानी पड़ती है। तो जब वो हो गया है तो अच्छा एक बार दिखा लेते हैं, तो यहाँ पे कार स्पा है ना, एक दो तो उससे बात करते हैं कि क्या करना पड़ेगा, वरना वो दाग अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही काम है तो कर आते हैं, अभी अच्छा याद आ गया है। चलिए मैं रेडी, फोन करके पूछ रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कुछ कुछ चीजें 6 बजे बंद हो जाती है, और अभी बज गया है 5:30, तो अभी बज चुका है, तो खुला रहेगा तो अच्छा है। चलिए फटाफट, और आके मुझे खाना बनाने का टेंशन नहीं है, क्योंकि दिन में जो मैंने बनाया था ना साग, वो साग थोड़ा बच गया है, तो मैं क्या करूंगी उसी को ट्रांसफॉर्म कर लूंगी पालक पनीर में। वो कैसे करूंगी मैं आपको दिखाऊंगी, तो मुझे आते वक्त पनीर भी लाना है, ये भी याद रखना है। चलिए फटाफट, ये मैंने जीन्स मंगवाया था मिंत्रा से, पता नहीं ये मतलब साइज तो मेरा ही है पर ये लूज आ गया है। अब सोच रही हूँ इससे एक साइज छोटा मंगा के देखती हूँ, इनकेस फिट आ जाए, अदरवाइज वेस्ट साइज जो मेरी है वही मैंने मंगवाया था। पता नहीं हर ब्रांड का ना अलग अलग है, किसी में कुछ साइज है किसी में कुछ साइज है, इतना दिक्कत होता है, ऐसा कुछ दिख रहा था ये, तो 2 मंगवाया है मैंने, एक आ गया एक नहीं आया है। बाहर जाके शॉपिंग करने का मजा कुछ और ही होता है, पिछले ऐसा जीन्स वगैरह मैंने जब तक आप ट्रायल ना लेना, हर ब्रांड का अलग अलग फिटिंग होता है, समझ में ही नहीं आता है। पर मैंने कहा छोड़ो, कौन बार बार चेक करेगा चेंज करेगा, ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं, पर ऑनलाइन में देखिए होता ही नहीं है। जीन्स तो मैंने कभी भी इसलिए ऑनलाइन मोस्टली नहीं ही लिए, मैंने हमेशा बाहर से लिया है, पर ट्राई किया था नहीं जमा।
देखते हैं कब आएगा वापस। तो कार वाला काम तो हो गया, चलिए और पनीर भी मैं ले आई हूँ, तो मुझे बनाना है पालक पनीर, तो वो जो बचा हुआ साग है उसका ही बनाना है, तो उतना कोई हड़बड़ी है नहीं। और अभी 7:30 बजे हैं, तो कुछ देर वेट कर लेती हूँ, तब तक जो ये व्लॉग सुबह से शूट कर रही हूँ दोपहर से, उसको थोड़ा सा मैं एडिट कर लेती हूँ। ऐसे ना पोर्शन पोर्शन में मैं एडिट करके रखती हूँ, एट अ स्ट्रेच करने का टाइम नहीं मिलता, तो थोड़ा थोड़ा कर लिए थे। दोपहर में फ्री होती हूँ तो तब कर लेती हूँ, आज दोपहर में नहीं कर पाई, तो वो थोड़ा सा एडिट कर लूंगी, तब तक में खाने का टाइम हो जाएगा, फिर खाना बनाना है रोटी और सब्जी, तो वो कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो हो गया सारा काम, अब थोड़ी देर आराम से मैं टीवी देखूंगी, उसके बाद इस वीडियो को एडिट करूंगी और फिर सो जाऊंगी। अभी बज गए हैं 10, तो अभी 10 से एक घंटा मुझे लगेगा कम से कम में, बाकी पार्ट्स जो बचे हैं ना उसको एडिट करने में, बाकी तो मैंने करके रखा है, तो थोड़ा ही टाइम लगेगा, फिर ये सुबह आपके लिए पोस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का मैं वीडियो यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय।